माला ला किसके पास है? एक बार निकल मिल गया सर, हो गया सर यहाँ। हेलो, हाँ संदीप जी आइए ना। विधान परिषद का चुनाव होना है, तो आप लोग अकेले लड़ने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरीके से? देखिए, आज शाम को 5 बजे इसी को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। संभावित प्रत्याशियों के नाम पर आज चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा, संभावित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये सूचना केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लिखित तौर पर दी गई थी कि आगामी विधान परिषद के जो चुनाव हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य की इकाई अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। उनके सुझाव के मद्देनज़र केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये फैसला लिया है कि जो ये MLC के चुनाव हो रहे हैं 24 सीटों पर, उस पर पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन कौन प्रत्याशी होंगे, मुझे लगता है दो एक दिन में, आज शाम की बैठक में मुझे लगता है काफ़ी नामों पर चर्चा होकर फाइनल कर दिया जाएगा, बट मुझे लगता है दो एक दिन में इस पर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। ताकि नालंदा में जहरीली शराब से मौत हुई है, कानून वापस होने की बात की जा रही है, जहरीली शराब का ये फिर से मामला। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है ये, और गृह जिला होने के बावजूद अगर इस तरीके की घटना उन्हीं के गृह जिले में आती है, जहाँ पे संभवतः माना जाता है कि भैया शासन प्रशासन तंत्र बहुत मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने गृह जिला को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते होंगे, और उसके बावजूद अगर वहाँ से ऐसी खबरें आती हैं तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जहरीली शराब का निर्माण का जो धंधा है वो अपनी जड़ों को कितना मजबूत कर चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग बार बार आग्रह करते रहे कि जब तक आप किसी मृतक परिवार से आप मिलिएगा नहीं, जहाँ पे ये घटना घटी है उनके पास आप जाइएगा नहीं, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि भैया ये धंधा कैसे चल रहा है। हम लोग जब जाते हैं तो वो लोग बताता है कि भैया किस तरीके से अब हर जिले में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, प्रखंड में नहीं, हर पंचायत स्तर पर इस तरीके से जहरीली शराब के निर्माण का कार्य शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे होने लगा है।
पर उसके बावजूद भी अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये अपने में दर्शाता है कि पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है शासन प्रशासन के लोगों का। और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बंद कमरे में एयर कंडीशन कमरे में खड़े होकर शपथ तो दिलवाते हैं, पर किसी एक मृतक परिवार से जाकर आज तक इतनी मौतें हो गई हैं, चंपारण से लेकर, गोपालगंज से लेकर, मुजफ्फरपुर से लेकर, नालंदा से लेकर, कौन सा ऐसा जिला है जहां पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु नहीं हुई हो? और एक मृतक परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलना जरूरी नहीं समझा। भाई जब तक आप मिलेंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे कि धंधा कैसे चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि अब तो आपके गृह जिले में ये घटना घटी है, कम से कम आप जाइए, मृतक परिवारों से आप मिलिए, समझिए कि ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है, और अगर उसके बाद अगर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आपके इस कानून की विफलता का भुगतान निर्दोषों को करना पड़ा अपनी जान गवा के। देखिए शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन, वापसी का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू से कहा कि भैया ये कानून सही है, और खासतौर पर बिहार जैसा प्रदेश जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, जहाँ पे सही बुरे की परख करने में लोगों को समस्या आती है, ऐसे में जरूरी है कि भैया शराबबंदी कानून यहाँ पर लागू हो। पर शराबबंदी कानून की आड़ में जिस तरीके से निर्दोषों को प्रताड़ित किया जाता है, बेगुनाहों को बिना मतलब इस कानून की आड़ में पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उसका हम लोग भी विरोध करते हैं। जिस तरीके से शराबबंदी कानून की आड़ में जिस तरीके से अवैध शराब के, जहरीली शराब के निर्माण का कार्य होता है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जिस तरीके से आयात होता है अवैध शर्मान के शराब का, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और जिस तरीके से तस्करों को इन्होंने खड़ा कर दिया है, एक पैरेलल इकोनॉमी लाकर इन्होंने बिहार में खड़ी कर दी है, जो कि पैरेलल इकोनॉमी पूरी तरीके से शराब के धंधे को उसी सुचारू रूप से चला रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार का हम लोग विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में जदयू को बीजेपी ने नकार दिया, समझा नहीं अपने साथ रखने का। भाई जिसको बिहार की जनता ने नकार दिया हो, उसको उसके गठबंधन के साथ ही नकारे स्वीकारे, मायने ही नहीं रखता। भाई जिनका अस्तित्व बिहार में नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी जो बिहार में बन गई हो, ये जाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, जब बिहार की जनता आपको पूछती नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको क्या पूछेगी? और इन्हीं बातों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने भी संभवतः की होगी, और इसीलिए इन्होंने इसको कोई सीटें नहीं दी। अब अकेले चुनाव लड़के दिखा लें, क्या करेंगे? आपकी क्या भूमिका होगी?